हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे दरदरा कूट लेंगे इस तरह से। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालकर इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल देंगे। जब ये जीरा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें 3-4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। जब ये टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसे पूरी अच्छे तरह से गल जाने तक के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। हमें आलू को हल्के मैश करके डालना है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो जीरा और काली मिर्च का मसाला बनाया था और वो भी हम इसमें मिला देंगे। इसे अच्छे से मिला देने के बाद अब हम 1/4 कटोरी भुनी हुई मूंगफली का पाउडर भी इसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी सब्जी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसके साथ खाने के लिए पूड़ियाँ बनाएंगे। उसके लिए 1 कटोरी कुट्टू का आटा लेंगे और 1 कटोरी बॉयल आलू मैश किए हुए, या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये आलू पूरे अच्छे से आटे में मिल जाए इतना हमें इसे मिलाना है। जब ये अच्छे से मिल जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से टाइट आटा गूंदना है इसका। इस तरह से इसका एक टाइट डो सा बना लेंगे। इसे 1 मिनट साइड में रखकर उसके बाद फिर इसे हम मसल लेंगे अच्छे से, और ये अब इसकी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। हमारी सब्जी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।